हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आपका भाई आप लोगों के लिए फिर एक नया वीडियो लेके आ गया है। क्या है दोस्तों, आप में से बहुत सारे भाई अपने डीजे सेटअप में कुछ इस टाइप का सारफीस का यूज़ करते हो, जो कि दोस्तों ये मेरे पास अभी के टाइम पे स्टैंड का 7R सारफी है, जो कि मैं अपने सेटअप में यूज़ करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स होंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो सारफी में जो दोस्तों एक कॉमन प्रॉब्लम होता है, आप चाहे 10R सारफी यूज करिए, 12R सारफी यूज करिए, या फिर कितने भी मतलब कोई सा भी सारफी यूज करिए, अगर आप सारफी मूविंग हेड अगर यूज़ कर रहे हैं अपने डीजे सेटअप में, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, एक कॉमन प्रॉब्लम, ऐसे आपका सारफी दोस्तों जो है चारों साइड रोटेट करते रहता है, मूव करते रहता है, लेकिन जो इसका लैंप होता है दोस्तों वो ज़्यादातर केस में एक यही कॉमन केस है कि इसका लैंप जो है फ्यूज हो जाता है, फॉल्ट हो जाता है। यानी कि जैसे आपका जो घर में बल्ब होता है वैसे ही इसके अंदर भी एक बल्ब होता है जो कि ख़राब हो जाता है, जिसे हम सारफी लैंप बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ये स्टैंड का 7R सारफी है, तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास स्टैंड का ही आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे दोस्तों स्टैंड का ही जो कि मैं लैंप आज इस सारफी में डालने वाला हूँ और आप लोगों को इजी वे पे दिखाने वाला हूँ कि आप अपने सारफी को अपने घर में बहुत ही इजी वे पे कैसे रिपेयर कर सकते हो बिना शॉप में लेके गए। तो भाई अगर चैनल पे नए हो यार तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर से करना, ताकि जो ज़रूरतमंद भाई रहते हैं जिनको ये सब नहीं पता रहता है कि सारफी का लैंप कैसे चेंज करना है, वो क्या है खामखा सारफी लेके शॉप में जाते हैं और इतना भारी सारफी कैरी करके लेके जाना बहुत प्रॉब्लम होता है, उससे अच्छा अगर आपके सारफी का लैंप ख़राब है दोस्तों तो आप इस टाइप का लैंप लेके आइए और घर में ही चेंज कर लीजिए। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि हम सारफी का लैंप कैसे चेंज करेंगे बहुत ही इजी वे पर। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आपको एक कुछ इस टाइप का स्क्रू ड्राइवर ले लेना है और सारफी को दोस्तों कुछ इस टाइप से करके, और ये जो यहाँ पे जो आपको ये चारों नट बोल्ट दिख रहे हैं पैनल का, इसको दोस्तों ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं फटाक से ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों ये जो पैनल है इसको क्या है, ऐसे क्या है दोस्तों, इसको ओपन कर लेना है जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों कुछ इस टाइप से आपको सारफीस का पैनल खोल लेना है। तो यहाँ पे ये जो पैनल है हमने खोल लिया है, तो ये पैनल को दोस्तों क्या है मैं साइड में रख देता हूँ। और ऐसे ही दोस्तों क्या करना है आपको, दूसरे साइड का भी पैनल खोल लेना है। यहाँ पे दोस्तों ये पैनल भी हमारा सारफी का खुल चुका है, देख सकते हैं आप लोग, दोनों का दोनों पैनल जो है मैंने खोल दिया है। अब सारफी कुछ इस टाइप से हमारा दिख रहा है आप लोगों को सामने। तो यहाँ पे दोस्तों पैनल खुलने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो लॉक है इसको क्या है ऐसे लॉक कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों ये जो आपको फ़ैन दिख रहा है, ये फ़ैन को क्या है आप लोगों को खोल लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये फ़ैन मैं खोल लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये फ़ैन हमने निकाल दिया है, तो ये फ़ैन कुछ इस टाइप से हम इसको कर देंगे और स्क्रू को क्या है संभाल के रख लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो हमारा लैंप है हमको इसको चेंज करना है, क्योंकि ये जो है इस सारफी का ये ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो चलिए हम ऐसे ही क्या है दोस्तों, इधर का भी हमको फ़ैन खोल लेना पड़ेगा, तभी जाके हम इस लैंप को बाहर निकाल पाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों हम इस साइड वाले फ़ैन को भी खोल लेते हैं, ताकि जो लैंप दोस्तों हम आसानी से चेंज कर पाएँ। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं मैंने ये फ़ैन भी रिमूव कर दिया है। अब सारफी को क्या है हम थोड़ा सा ऐसे मूव कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को क्लियर विजुअल हो पाए। अब यहाँ पे जो दोस्तों ये जो वायरिंग है हमको ये वायर निकाल लेना है, और ये जो नट बोल्ट यहाँ पे जो ये चार स्क्रूज कसे हैं इसको भी हमको खोल लेना है। तो चलिए मैं इसको भी खोल लेता हूँ फटाक से। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं मैंने ये जो चारों स्क्रू है इसको मैंने हटा दिया है, और यहाँ पे दोस्तों हम इसके वायर्स को भी क्या है निकाल देते हैं। इसको दोस्तों आपको कुछ इस टाइप से मूव करके क्या है निकाल देना है। यहाँ पे ये फंस चुका है क्या है, तो इसको ऐसे कुछ इस टाइप से आपको इसको क्या है निकाल देना है।
और यहाँ पे दोस्तों इजीली हमारा ये वायर भी जो है निकल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं ये जो बल्ब हमारा, जो ये सार्फी का लैंप है, ये हमारा ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये टूट भी चुका है और ये टेम्परेरी जा चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे कि हम अपना एक बार इसको फूंक वगैरह मार देंगे, जो यहाँ पे कचरा वगैरह घुसा होगा ये हट जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, नए बल्ब को ऐसे आपको डिब्बे से क्या है बाहर निकालना है। इसको दोस्तों आपको बहुत ही सावधानी से बाहर निकालना होता है, तो आपको ये जो फोम है इसी को खींचना है बाहर ताकि आपका लैंप ना टूटे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है। और ऐसे दोस्तों आपको क्या है, इसको एक साइड प्रेस करके कुछ इस टाइप से ऐसे निकाल लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो लैंप है आप लोग देख पा रहे हैं प्रॉपर हमारा स्टैंड का 10R230 यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये ओरिजिनल लैंप है जो कि हम इस आरपी में डालने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसको डालना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको जो इसके वायर्स हैं इनको क्या है आपस में कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारे वायर हैं ये हमारे प्रॉपर कनेक्ट हो चुके हैं। अब इसको दोस्तों क्या है हमको ऐसे बीच में ऐसे ही फिट कर देना है जैसे ये डला है। इसके बाद दोस्तों ये जो हमारा ये पत्ती है ये मैंने नीचे रख दिया था, इसको क्या है दोस्तों इसके जस्ट ऊपर ऐसे तिरछा करके एक साइड में दबा के डालना है ताकि ये ऐसे सेट हो जाए, ठीक है। तो आइए अब हम इसको भी डाल लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं मैंने इसको फिट करके यहाँ पे स्क्रू फंसा दिया है। तो मैं अब ये स्क्रू भी हम अच्छे से फुल टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारे टाइट हो चुके हैं। आपको वायर को देख लेना है कि अच्छे से आपका वायर जो है ये यहाँ पे कनेक्टर्स में अच्छे से कनेक्ट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा प्रॉपर कनेक्ट हो चुका है। अब दोस्तों क्या करना है आपको, ये जो फैन हमने निकाले थे इसको क्या है आपको कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसा लगा था दोस्तों आपको सेम उसी टाइप का इसको लगा देना है। इसके बाद हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसका स्क्रू ले ले रहा हूँ और इसको भी फटाफट टाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इसको कम्प्लीटली सेट कर लिया है। अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग की, क्योंकि दोस्तों हम इसके पैनल को ही फिट नहीं करेंगे, जब इसको हम टेस्ट कर लेंगे इसके बाद ही पैनल फिट करेंगे। तो चलिए मैं इसको प्लग इन करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली हमारा सार्फी जो है ग्लो करना स्टार्ट कर चुका है, यानी कि सार्फी जो है हमारा ऑन हो चुका है। आप लोग देख पा रहे हैं काफ़ी सही इसका जो लाइटिंग है आने लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सार्फी जो है हमारा रिपेयर हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम इसके पैनल को कस लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं ये जो सार्फी हमने इसके अंदर का जो लैंप चेंज किया है, ये दोस्तों सार्फी हमारा फाइनली फुल वर्किंग कंडीशन पे आ गया है। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था कि भाई अगर आपका सार्फी चाहे 7R हो, 10R हो, 12R हो, 15R हो, कोई सा भी कंपनी का कोई सा भी मॉडल सार्फी हो, अगर उसका अगर कुछ इस टाइप से अगर ऑफ हो जाता है सार्फी, जैसे कि मैंने बताया क्या है सार्फी में दोस्तों एक ही कॉमन प्रॉब्लम होता है जो कि उसका लैंप ख़राब हो जाता है, ठीक है। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम घर में मार्केट से लैंप ला के ईजी वे पे अपने घर में सार्फी को कैसे रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट पे दोस्तों इनको ले जाना अगर जैसे आपके यहाँ रिपेयर नहीं होता है, मार्केट बहुत ज़्यादा दूर है, आपकी सिटी में रिपेयर का वो नहीं है, रिपेयरिंग सेंटर नहीं है, तो आपको क्या है सार्फी लाने ले जाने में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए दोस्तों आप बहुत ही ईजी वे पे अपने घर पर ही अपने सार्फी को रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो पसंद आया हो आपको। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है, तो भाई दबा के सब्सक्राइब करो। और हाँ एक बात दोस्तों भूल ही गया था कि अगर आपका सार्फी जिस कंपनी का हो कोशिश करिए आप उसी कंपनी का लैंप डालें, क्योंकि दोस्तों ये सार्फी स्टैंड का है। तो आप लोग देख सकते हैं ये स्टैंड का ओरिजिनल लैंप है। फिर भी दोस्तों अगर आप लोगों को उसी कंपनी का लैंप नहीं मिलता है तो आप वहाँ पर ओसराम का लैंप डाल सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो चलिए दोस्तों मैं मिलूंगा आपको ऐसे इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बनाते रहो भाई सार्फी ऐसे।